पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट मामले नया अपडेट सामने आया है। अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के विधायक सुनील तिंगरे 19 मई की रात को येरवाड़ा पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। विपक्ष के मुताबिक तिंगरे पुलिस पर दबाव बना रहे थे। सुनील तिंगरे ने इन आरोपों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि सुबह 3:21 पर मेरे पीए की तरफ से फोन आया कि एक बड़ा हादसा हो गया। इसके बाद कई कार्यकर्ताओं और विशाल अग्रवाल की भी मेरे पास कॉल आई। विशाल अग्रवाल ने बताया कि मेरे बेटे को कुछ लोगों ने पीटा है। इसके बाद मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा, फिर पुलिस ने मुझे सूचना दी। इसके बाद मैंने पुलिस से कानून के मुताबिक कार्रवाई करने को कहा। मैंने मृतक के परिजनों से भी बात की। सुनील तिंगरे ने कहा कि मैंने हमेशा पब और बार के खिलाफ स्टैंड लिया है। राजनीति की में आने से पहले मैं विशाल अग्रवाल के साथ काम करता था, यही उनके और मेरे बीच का रिश्ता है। मैंने मृतक के परिजनों की मदद की। मैं थाने के सीसीटीवी फुटेज खोलने की मांग करता हूं। पुणे की एक अदालत ने मंगलवार को मामले में 3 आरोपियों को बार मालिक और रेस्टोरेंट के 2 मैनेजर को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। यहां नाबालिग आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी थी, उसके बाद वो कार लेकर बाहर निकला था। आरोपी कोसी रेस्टोरेंट के मालिक के बेटे नमन प्रहलाद भूतड़ा, उसके मैनेजर सचिन काटकर और ब्लैक क्लब होटल के मैनेजर संदीप सांगले को अदालत में पेश किया गया था। पुलिस ने 7 दिन की कस्टडी की मांग की थी। पुलिस ने तर्क दिया कि आरोपियों के स्वामित्व या प्रबंधन वाले बार रेस्टोरेंट में आरोपी लड़के और उसके दोस्तों को उनकी कम उम्र की कानूनी उम्र 21 की पुष्टि किए बिना शराब परोसी। पुलिस ने अदालत को बताया कि उन्होंने कोसी रेस्टोरेंट के मालिक प्रहलाद भुटाड़ा को नोटिस भेजा है, जरूरत पड़ने पर उनसे पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने के लिए कहा है।